आणि त्यांनी बाप्पाची विधिवत पूजा देखील केलेली आहे। या ठिकाणी मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आसन ग्रहण करावे। स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडळ यांचे अध्यक्ष सन्माननीय साईनाथ भाऊ पवार, कार्याध्यक्ष विराज दादा पवार यांच्या तर्फे माननीय खासदार कपिलजी पाटील साहेब यांचं स्वागत आता होणार आहे। तेव्हा माननीय भाऊंना विनंती करतो की त्यांनी पाटील साहेबांचं शालानी श्रीफळ देऊन स्वागत करावं। स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडळातर्फे मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय भाऊ शाल श्रीफळ आणि पुष्प गुच्छ देऊन खासदार माननीय पाटील साहेब यांचं स्वागत करीत आहेत। या ठिकाणी कार्याध्यक्ष विराजदादा पवार यांच्या देखील हस्ते माननीय खासदार पाटील साहेब यांचं स्वागत होत आहे।
अभी एकनाथ शिंदे साहब ने 110 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, देवेंद्र जी ने इसमें सहयोग दिया है। ये जो हम लोग रेलवे फाटक से लेकर धामनकर नाका तक का जो रोड है उसके लिए मुझे लगता है 34 करोड़ समथिंग कुछ सैंक्शन हुआ है, और ये पहली बार हुआ है। ये तो मेन रोड है भिवंडी शहर में, आप अभी जहाँ से भी एंट्री करेंगे आपको वो रोड कॉन्क्रीट का मिलेगा। आप धामनकर नाका से आते हो तो केंद्र सरकार के माध्यम से मैंने उस वक्त 48 करोड़ रुपया सैंक्शन करा के लाया था, फिर देवेंद्र जी ने जो कॉन्क्रीट के रोड दिया। आप सब भिवंडी शहर में देखते हैं, फिर भी कुछ रास्ते बचे हैं, खड्डे यहाँ पे है, मैं ऐसा नहीं बोलता कुछ खड्डे नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो भी बताने का काम आप लोगों को करना चाहिए। मेरा बराबर उसके ऊपर ध्यान है, भिवंडी को खड्डे मुक्त करने के लिए मेरी कोशिश चल रही है, हमारा आमदार भी उसमें योगदान दे रहा है। निश्चित तौर पर हम दोनों मिल के भिवंडी को खड्डे मुक्त करने के लिए अपना योगदान देंगे। और आपने जो सवाल पूछा है, गणपति बापा से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि राज्य सरकार इस तरह से सहयोग दे कि अगले गणपति तक खड्डों का विघ्न भिवंडी के ऊपर ना आए, ऐसा आशीर्वाद गणपति बापा हमें भी दे और राज्य सरकार में जो बैठे हैं उनको भी इस तरह का आशीर्वाद दे ताकि भिवंडी शहर में सारे रास्ते रहें। गणपति बापा बोरिया, गणपति बापा। दादा यांच्यातर्फे आणि समस्त कार्यकर्त्यातर्फे मी माननीय खासदार साहेबांचे आभार मानतो की त्यांनी आपल्या बिझी शेड्यूलमधून आपल्या इथे बाप्पाच्या दर्शनासाठी आले, त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद।